So, our next topic is methods used for determination of order of reaction. Now, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ मेथड्स जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर को डिटरमाइन कर सकते हैं या फिर प्रिडिक्ट कर सकते हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस 5 डिफरेंट मेथड्स. तो फर्स्ट मेथड हमारा है ग्राफिकल मेथड. इन ग्राफिकल मेथड हमारे पास जो केमिकल काइनेटिक्स की इंफॉर्मेशन है, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन टेबल या डेटा है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, उस इंफॉर्मेशन को हम लोग डिफरेंट ग्राफ्स में पुट करके ग्राफ ड्रॉ करते हैं. और ये जो इंफॉर्मेशन होती है इसमें रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन होते हैं डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम पे. और इन ऑब्जर्वेशन टेबल से जो हमें ग्राफ मिलता है उस ग्राफ के नेचर से हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि रिएक्शन कौन से ऑर्डर का होगा. सेकेंड मैथड इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मैथड. इन दिस मैथड हम लोग केमिकल काइनेटिक्स की जो इंफॉर्मेशन है, दैट मीन्स रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, इनको डिफरेंट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस में पुट करते हैं. हमारे पास जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ऐसे डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस हैं. हम इन इक्वेशंस के अंदर आर नॉट, आर टी और टी की वैल्यू पुट करेंगे जिसके हेल्प से हम लोग रेट कॉन्स्टेंट यानी के की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. जिस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज को पुट करके रेट कॉन्स्टेंट के की वैल्यू ऑलवेज सेम आती है, दैट मीन्स वो रिएक्शन उसी ऑर्डर का होगा. थर्ड मैथड इज इनिशियल रेट मैथड. नाउ ये जो थर्ड मैथड है ये एक्चुअली हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट. नॉर्मली किसी रिएक्शन में सिर्फ एक रिएक्टेंट हो, इन दैट केस ग्राफिकल मैथड हम आसानी से यूज कर सकते हैं बिकॉज हमें कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ एक रिएक्टेंट के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है. वाइल अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं, इन दैट टाइम हम लोग इनिशियल रेट मैथड यूज कर सकते हैं. इस मेथड में हम लोग रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में किसी एक रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को यूज करेंगे और बाकी दूसरे रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को कॉन्स्टेंट रखते हैं. दैट मीन्स हम लोग डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम पे किसी एक रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को ऑब्जर्व करेंगे और बाकी दूसरे रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन को कॉन्स्टेंट रखेंगे. और ऐसे हम लोग हर बार मेथड को रिपीट करके डिफरेंट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं और फाइनली सभी ऑर्डर को एड करके हमें कंप्लीट रिएक्शन का ऑर्डर मिलता है. बट दिस मेथड इज लेंथी. नाउ फोर्थ मेथड इज ओसवाल्ड आइसोलेशन मेथड. नाउ दिस फोर्थ मेथड इज आल्सो सिमिलर टू थर्ड मेथड, दैट इज इनिशियल रेट मेथड. इनिशियल रेट मेथड में हम लोग किसी एक रिएक्टेंट के टर्म्स में ऑर्डर फाइंड आउट करते थे और बाकी रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग कॉन्स्टेंट रखते थे. ओसवाल्ड आइसोलेशन मेथड में भी हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक सिंगल रिएक्टेंट कैलकुलेट करते हैं, बट इसके लिए बाकी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग एक्सेस में यूज करेंगे. एंड वी नो दैट कि किसी भी रिएक्शन में अगर कोई रिएक्टेंट एक्सेस में प्रेजेंट है देन वो रिएक्शन उस रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो जाता है. सो ओसवाल्ड आइसोलेशन मेथड को भी हम लोग यूज करते हैं ऐसे रिएक्शंस में जहां पे मोर देन वन रिएक्टेंट प्रेजेंट हो और जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं उनमें से हर एक रिएक्टेंट को आइसोलेट करके, दैट मीन्स उसका लोअर कॉन्सेंट्रेशन यूज करके एंड बाकी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को एक्सेस में यूज करके हम लोग ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल रिएक्टेंट. और फाइनली टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सभी रिएक्टेंट के ऑर्डर्स को ऐड कर देते हैं और ये मेथड भी काफी लेंथी होता है. एंड आवर फिफ्थ मेथड इज हाफ लाइफ पीरियड मेथड. नाउ ये जो मेथड है ये एक्चुअली एक मैथमेटिकल मेथड है जिसमें हम लोग हाफ लाइफ पीरियड के इक्वेशन में डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को पुट करेंगे और जिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म को पुट करके हमारा हाफ लाइफ इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, रिएक्शन उसी ऑर्डर का होगा. आगे हम लोग इंडिविजुअली हर एक मेथड को डिटेल में डिस्कस करेंगे. आवर फर्स्ट मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड में हमें ग्राफ की हेल्प से ऑर्डर फाइंड आउट करना होता है. तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि ग्राफिकल मेथड को एक्चुअली यूज कहां कर सकते हैं. एक्चुअली हर एक टाइप के रिएक्शन के लिए ग्राफिकल मेथड यूज करना पॉसिबल नहीं है. ग्राफिकल मेथड सिर्फ उन रिएक्शंस में यूज किया जा सकता है जहां पे एक सिंगल रिएक्टेंट इन्वॉल्व है. तो सबसे पहले तो मैं यही मेंशन कर देता हूं, दिस मेथड इज यूज्ड वेयर देयर इज ओनली वन रिएक्टेंट. अब यहां पे अगर रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक सिंगल रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा. तो इसके लिए हमें उसका रेट कैलकुलेट करना ईजी रहेगा.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उस रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को स्टडी करना है और मेजर करके उनका एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है. तो सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज मेजर्ड बाय सम मेथड. हम किसी भी मेथड से उसका कॉन्सेंट्रेशन मेजर कर रहे हैं, लेकिन उन कॉन्सेंट्रेशन की हेल्प से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे. ग्राफ को हम कौन से प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट प्लॉट करने वाले हैं. तो नॉर्मली हम लोग ग्राफ यहाँ प्लॉट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम. तो यहां मेंशन कर देता हूं, ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जिसको हम लोग आर को बिग ब्रैकेट में एक्सप्रेस करके मेंशन करेंगे, जिसका मतलब होता है मोलैरिटी, एंड टाइम दैट इज टी. कॉन्सेंट्रेशन वर्सेज टाइम के ग्राफ से अभी हम लोग ऑर्डर फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस ग्राफ की हेल्प से क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ रिएक्शन. और जैसा कि हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, दैट मीन्स हमारा जो ग्राफ बनेगा कॉन्सेंट्रेशन वर्सेज टाइम का, उसमें से हम कौन से टाइप का रेट कैलकुलेट कर पाएंगे, डिफरेंशियल रेट, जिसे हम लोग आर इंस्टेंटेनियस बोल सकते हैं, क्योंकि किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो हमें रेट मिलता है दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट. सो ये ग्राफ की हेल्प से हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड आउट करेंगे. तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं, इंस्टेंटेनियस रेट दैट इज आर इंस्टेंटेनियस ऑफ द रिएक्शन एट डिफरेंट टाइम इंटरवल इज कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग आउट स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स इन द ग्राफ. वी नो दैट कि इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड आउट करने के लिए हमें स्लोप फाइंड आउट करना पड़ता है. सो यहां पे हम लोग आर इंस्टेंटेनियस फाइंड आउट करेंगे ग्राफ की हेल्प से एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, और उसके लिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम. नाउ फाइनली हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे जिसकी हेल्प से हमें ऑर्डर मिलेगा. अ ग्राफ विल बी बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. सो अ ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन रेट दैट इज आर वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन दैट इज आर बिग ब्रैकेट रेज टू एन. अब ये ग्राफ से हम कैसे ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. नाउ फर्स्ट पॉइंट, इफ द रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज आर रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ, इट मीन्स रेट आर इज इंडिपेंडेंट of concentration of reactant that is R. Differential equation क्या हो जाएगा, rate R equals to K concentration of R raised to 0. It means yes, order of reaction that is N equals to 0. और अगर इसका हम graph देखेंगे तो graph का nature कैसा दिखेगा, constant. Graph के nature से हम order को predict कर सकते. Now second part, if straight line is obtained in graph of rate versus concentration, it means rate R is directly proportional to the concentration of reactant that is capital R. So rate kya ho jayega, rate R equals to K and concentration of reactant raised to 1. So, order क्या predict करेंगे? Order of reaction N equals to 1. Now, इसका graph का nature भी discuss कर लेते हैं. Now, यहाँ पे जो हमारा graph होगा, that will be between rate R and concentration of reactant capital R. Graph कैसा मिलेगा? It will be straight line. Third point, if straight line is obtained in graph of rate versus concentration of reactant square, what does it mean? It means rate R is directly proportional to square of this concentration of reactant, which means rate R equals to kya ho jayega, A and concentration of reactant raised to 2. So order of reaction क्या होना चाहिए, सेकेंड ऑर्डर. तो ग्राफ का नेचर देख लेते हैं. नाउ दिस टाइम ग्राफ में वाई एक्सिस पे रेट होगा एंड एक्स एक्सिस पे होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू 2. और ग्राफ का नेचर अगेन स्ट्रेट लाइन आएगा, विच मीन्स द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2. सो फाइनली हमने क्या कंक्लूड किया, सो
if we get straight line by plotting graph of rate R versus concentration reactant raised to N, where N equals to 1, 2, 3, so on, then rate R equals to K, concentration of reactant raised to N, and order of reaction, that is N, can be 1, 2, 3, so on.